नेतन्याहू के मतवक्के वारंट गिरफ्तारी, अमरीकी सेनेटर्स धमकियां देने लगे। अमरीकी कानून साजों की बड़ी तादाद नेतन्याहू की हिमायत में मैदान में आ गई। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक 12 रिपब्लिक सेंटर्स की जानिब से ICC के चीफ प्रोसिक्यूटर करीम खान को लिखे गए खत में नेतन्याहू समेत इसराइली हुकाम के खिलाफ वारंट जारी करने की सूरत में जराइम की आलमी अदालत के खिलाफ पाबंदियाँ लगाने की धमकी दी गई है। रिपब्लिकन सेंटर्स की जानिब से लिखे गए खत में कहा गया है कि अगर आलमी अदालत नेतन्याहू या दीगर इसराइली हुकाम को गजा के मामले में जिम्मेदार ठहराती है तो ये न सिर्फ इसराइल बल्कि अमरीका की खुद मुख्तारी पर भी हमला तसव्वुर होगा। अमरीकी सेंटर्स की जानिब से लिखे गए खत में 12 रिपब्लिकन सेंटर्स के दस्तखत भी मौजूद हैं। याद रहे आलमी अदालत इंसाफ में गजा और मगरबी किनारे में इसराइली जारहियत की तहकीकात जारी हैं। फलस्तीनी वजारत सेहत के मुताबिक इसराइली हमलों में अब तक 34,000 से जायद फलस्तीनी शहीद जबकि 78,000 से जायद फलस्तीनी जख्मी हुए हैं। इसराइल आलमी बिरादरी की मुखालफत के बावजूद रफा पर हमला कर चुका है। आलमी बिरादरी पहले इसराइल को रफा में जमीनी ऑपरेशन की सूरत में तबाहकुन नताइज से खबरदार कर चुकी है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इस किस्म की कयास आराइयाँ जेरे गर्दिश है कि जराइम की आलमी अदालत नेतन्याहू समेत आला इसराइली हुकाम के वारंट गिरफ्तारी जारी कर सकती है।